हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, बादल एजुकेशन गुरु पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ANM GNM जो आपकी BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग डिप्लोमा है और जो भी है BSc नर्सिंग है डिग्री है उसके जो फॉर्म है वो कब तक आएंगे कब तक नहीं आएंगे उसके बारे में यहाँ पर संपूर्ण जानकारी देंगे। और एक बहुत बड़ा अपडेट है कि उसकी जो है यहाँ पर लास्ट डेट वो जारी कर दी गई है कि अक्टूबर में आपके फॉर्म की जो है एडमिशन की अंतिम तिथि है वो भी यहाँ पर जारी कर दी गई है, तो उसके बारे में यहाँ पर संपूर्ण आपसे जानकारी देंगे। और यहाँ पर सभी भी स्टूडेंट्स को एक बार बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो वीडियो बनाया जा रहा है वो यहाँ पर काफ़ी विद्यार्थी कन्फ्यूज होते हैं कि सर मेंशन कर दिया करो आप कौन से राज्य के बारे में, तो यहाँ पर ऑल इंडिया के कैंडिडेट के बारे में ये वीडियो बनाया जा रहा है। कहने का मतलब है कि सभी राज्यों का यहाँ पर ये नोटिस आया हुआ है तो इसके बारे में दिखाएंगे। राजस्थान भी है इसमें, सारे के सारे इंक्लूड किए हुए हैं। और दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर अगर नए हो तो YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर एक आगामी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच और पहुंचता रहे इन फ्यूचर, क्योंकि यहां से मिलती है आपको सटीक इन्फॉर्मेशन पल पल की खबर। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा काफ़ी विद्यार्थी जुड़े हुए हमसे, छत्तीसगढ़, UP, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा काफ़ी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। तो वो बोलते हैं कि सर ये नोटिस आया हुआ है INC की तरफ से, इसका क्या मतलब है क्या मतलब नहीं है, तो उसके बारे में यहाँ पर हमें बताएं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग के द्वारा ये नोटिस डाला हुआ है। अब इस नोटिस का क्या तात्पर्य है क्या तात्पर्य नहीं है तो सारी की सारी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा ये यहाँ पर जो नोटिस आया हुआ है, इस नोटिस में यहाँ पर साफ साफ इन्होंने मेंशन कर रखा है सब्जेक्ट में एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ एडमिशन फॉर ऑल नर्सिंग प्रोग्राम फॉर अकेडमिक ईयर 2024-25। कहने का मतलब यह है कि सभी राज्यों के लिए, ऑल स्टेट के लिए, किसी पार्टिकुलर स्टेट को मेंशन नहीं कर रहे हैं इसमें, सभी स्टेटों के लिए यहाँ पर ये सभी राज्यों के लिए वीडियो है, सभी राज्यों के स्टूडेंटों के लिए वीडियो है। आप फिर कमेंट मत कहना कि सर हम कन्फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। ये नोटिफिकेशन की जो आइडिया वो दे रखी है 2024, ठीक है ना। इंडियन नर्सिंग काउंसिल हैज एक्सटेंडेड, ठीक है ना, द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन नर्सिंग प्रोग्राम। नर्सिंग प्रोग्राम में लाइक बात करते हैं कौन कौन से नर्सिंग प्रोग्राम ऐड किए हुए हैं, तो ANM GNM, ठीक है ना, ANM GNM भी ऐड किए हुए हैं। उसके बाद में BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, ठीक है ना, पोस्ट बेसिस डिप्लोमा BSc नर्सिंग, तो ये सारे के सारे यहाँ पर कोर्स यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं। अब इसकी जो लास्ट डेट है वो है यहाँ पर 30 सितंबर से लेकर के और यहाँ पर 31 अक्टूबर 2024। तो कहने का मतलब यह है कि 30 सितंबर से और 31 अक्टूबर 2024 तक सभी राज्यों में यहाँ पर स्टूडेंटों के एडमिशन होना कंपलसरी है। अब कहने का मतलब यह है कि एक एक राज्य की अगर बात करें, तो जैसे कि बात करें कुछ राज्य ऐसे हैं जो अपने स्तर से यहाँ पर एडमिशन लेते हैं। अपने स्तर का मतलब यह है कि काफ़ी राज्यों में ऐसे हैं जिनमें खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट होता है, उस एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से ही जो है यहाँ पर स्टूडेंटों का प्रवेश लिया जाता है, पहली बात तो ये हो गई। और कुछ राज्य अब ऐसे बचे हैं जिनमें यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन होता है, लाइक बात करते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश जो है उसमें डायरेक्ट एडमिशन होते हैं, बच्चों के डायरेक्ट भी होते हैं और वैसे भी होते हैं काउंसलिंग के माध्यम से होती है, तो दोनों तरह होते हैं। तो ये सभी राज्य यहाँ पर इसका ये पालन करेंगे और यहाँ पर देख सकते हो प्लीज़ नोट दैट नो फर्दर एक्सटेंशन विल बी गारंटीड, ठीक है ना। और यहाँ पर देख सकते हो दिस इश्यू विद अप्रूवल फ्रॉम द कंपिटेंट ऑथॉरिटी। कहने का मतलब यह है कि ये एक ऑथॉरिटी से जो भी है यहाँ पर देख सकते हो जो डॉक्टर हैं उनके यहाँ पर साइन भी हैं, ठीक है ना, डॉक्टर सर्वजीत कुमार कौर, ठीक है ना, सेक्रेटरी हैं वहाँ के, तो ये उनके भी यहाँ पर सिग्नेचर हो रखे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जितने भी राज्य हैं ज़्यादातर राज्यों में यहाँ पर फॉर्म आ चुके हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात करें, ठीक है ना, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में भी आ गए, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में भी फॉर्म भरे जा चुके हैं, इस तरीके से तमाम जो स्टेट हैं उनमें फॉर्म आ चुके हैं। अब यहाँ पर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी जल्दी फॉर्म आ जाएंगे आपके, लेकिन ये सभी राज्यों के लिए वीडियो है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं सभी राज्यों से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपकी जो है अगर आपके राज्य में फॉर्म नहीं आया तो जल्दी ही आपके राज्य में भी फॉर्म आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। अभी तो 31 अक्टूबर दूर है, अभी 31 अक्टूबर में काफ़ी समय है, 23 से 24 दिन का समय है 31 अक्टूबर आने में, तो अभी भी आपके जो है पास में समय है। आपकी यूनिवर्सिटी जल्दी आपका जो है फॉर्मों का क्राइटेरिया निकालेगी, जैसे ही फॉर्मों का क्राइटेरिया निकालेगी आपकी जो फॉर्म है भरना स्टार्ट हो जाएगा, सभी विद्यार्थी एडमिशन करवा लेना। बाकी और कोई भी स्टूडेंट का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, समय मिलते ही हम आपको रिप्लाई दे देंगे। क्योंकि आपको पता होगा ये जो एक INC होता है, एक INC इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग है, ये ऑल ओवर इंडिया के जितने भी मेडिकल कोर्सेज रहते हैं सभी को यहाँ पर हैंडल करते हैं, ठीक है ना। ये दिल्ली से है INC, क्योंकि आपको पता होगा INC एक ऐसी जो है संस्था है, वहाँ से INC ने जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दी तो वो सभी राज्यों को यहाँ पर माननी होती है। INC का मतलब ये होता है कि जितने भी स्टेट हैं ऑल स्टेट INC की जो गाइडलाइन है उसका
उसका पालन करते हैं, ठीक है ना, कोई उल्लंघन नहीं करता है। और जैसे कि बात करें, अब ये कोई भी राज्य ऐसा है इस डेट पर खरा नहीं उतरता है तो उसको क्या करना होगा, उसको जो डेट है इस डेट दे रखी, इस डेट तक अगर एडमिशन नहीं निकाले गए या फॉर्म नहीं रिलीज किए गए तो वो राज्य क्या करेगा, INC को एक लेटर भेजेगा। उस लेटर के माध्यम से INC को यहाँ पर निर्देशित करके, यहाँ पर इंडिकेट करके बताएगा कि हमें ये जो भी है डियर, जो भी INC के जो भी ओनर हैं उनको बोलेगा कि हमसे जो भी है काउंसलिंग लेट हुई थी, काउंसलिंग का जो है समय निकल गया था, इस वजह से जो बच्चों का एडमिशन है 2023-24 का बोल लेट हुआ था, तो 24-25 के जो फॉरम है वो सेशन डिले हो सकता है, इस वजह से हम फॉरम लेट निकालेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन हाँ, याद रखो आप, ये जो डेट है ज़्यादातर मोस्टली जितने भी 29 राज्य हैं जिन भी राज्यों में GNM होता है, ठीक है ना, GNM सब में नहीं होता, कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें GNM नहीं होता है, लेकिन जिन राज्यों में GNM होता है उन सभी राज्यों में यहाँ पर जो गाइडलाइन है उसका पालन करना होगा, ठीक है ना। और आपके भी जिले, अगर आपके भी राज्य का आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग GNM ANM से, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, समय मिलते ही रिप्लाई कर देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।